वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की शुरुआत हो रही है पूड़ी के साथ, पूड़ी और भाजी। नॉर्थ इंडिया में तो फेमस है ही पूड़ी भाजी, लेकिन हम खा रहे हैं साउथ इंडिया की पूड़ी भाजी, जिसकी भाजी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट पूरी वही सेम स्टाइल में होती है। ओहो दोस्तों, मैं बताना ही भूल गई, अगर आप आज देख रहे हैं वीडियो तो मैं बता दूँ, हम लोग इस वक्त हैं केरला में। कोची से हम जा रहे हैं मुन्नार की तरफ। रास्ते में ये पड़ता है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, और हमने ऑर्डर किया है डोसा और साथ में पूरी भाजी। चाय कैसे भूल सकते हैं, मसाला चाय मैंने ऑर्डर करी है। साउथ इंडिया में आए थे तो हमने सोचा साउथ इंडिया का जो ऑथेंटिक फूड है मसाला डोसा, वो हमें ट्राई तो ज़रूर करना बनता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सांभर था, वाह मज़ा ही आ गया था, इतना टेस्टी था। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जो ऑथेंटिक चीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब अगर मैं मुंबई में कहीं सांभर खाऊं वो अलग है, यहाँ जो सांभर खाया वो एकदम अलग है, और यहाँ पे चटनी भी अलग है। आगे हम और भी खाएंगे, आज की वीडियो में नहीं लेकिन आगे की वीडियो में, तब आपको बताऊंगी कि चटनी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं यहाँ पर। नाम है क्ले ओवन, हमने खाया है पूरी भाजी, मसाला टी और मसाला डोसा। देखिए कितना सस्ता है यहाँ पर, देख के भी नहीं लग रहा ये जगह सस्ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो की झलक मैंने कल के वीडियो में दिखा दी थी, लेकिन आज के वीडियो की शुरुआत मैंने सोचा कि खाने से की जाए, इसलिए वीडियो मैंने डाला। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिए, नहीं देखा होगा इसलिए मैंने डाल दिया था। और ये शुरुआत हो चुकी है साउथ इंडिया में, हम जा रहे हैं कोची से मुन्नार की तरफ। और मैं आपको बता दूँ, इतना खूबसूरत है केरला कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी, पहाड़ और मतलब समझ लीजिए हर जगह ग्रीनरी है। और आपको अगर घर देखेंगे इतने, अगर छोटा सा घर भी होगा तो बहुत ही क्यूट सा होगा, बहुत ही सुंदर सा होगा। और एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी, यहाँ हर जगह बहुत ही साफ़ सुथरा है। मतलब आप किसी भी रोड पर चले जाओ, इतनी साफ़ सुथरी रोड दिखाई देगी आपको, कहीं कोई रैपर नहीं, कोई पन्नी नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान इसकी पीक नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम साफ़ सुथरा। ऐसा ही हर जगह होना चाहिए इंडिया में। मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे केरला इतना पसंद आया कि मैं तारीफ़ करते करते नहीं थक रही हूँ, मैंने शुरुआत ही तारीफ़ से कर दी। तो चलिए, अब जब बढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, केरला आने के कई सारे ऑप्शन हैं। आप फ्लाइट से आ सकते हैं, आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, आपको चूज़ करना है आप किस चीज़ से आना चाहते हैं। और अगर आपको केरला घूमना है तो आपके ऊपर है, आप पैकेज लेके आना चाहते हैं या खुद से अपना ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। पैकेज लेकर आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप पैकेज में आपको देंगे स्टे का देंगे और शायद गाड़ी का भी देते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, वो सब कुछ मिक्स होता है उसमें, खाने वाने का भी होता है, घुमाने का होता है, तो वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो कितने का होता है। बट अगर आप खुद से प्लान करते हैं तो पहले तो आपको जो भी आपकी फ़्लाइट या ट्रेन की टिकट होगी केरला तक, हमने कोची से शुरुआत करी तो आप कोची आ सकते हैं, और कोची से सबसे पहले आप जाइए मुन्नार। मुन्नार जाने के लिए आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट दो से तीन दिन के लिए टैक्सी तो करिए। रास्ते में ये वाटरफॉल पड़ा था, और सुजीत जो कि हमारा कैब ड्राइवर था उसने बताया कि पिछले साल यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से यहाँ पे पानी नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत सुंदर लगता है ये वाटरफॉल। पानी ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने सोचा कि अब छोड़ो, भी कोई क्या ही फ़ोटो खिंचाएगा, तो मैंने सोचा एटलीस्ट वीडियो तो बना ही लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि कोची से मुन्नार की दूरी है 126 से 127 किलोमीटर है, तो आप जो टैक्सी बुक करेंगे वो आपको मुन्नार तक पहुँचाएगा, मतलब डेढ़ दो घंटा जो भी लगेगा। और उसके बाद मुन्नार में भी अगर आपको घूमना है तो आप उसी टैक्सी से घूम सकते हैं काफ़ी एरिया तक, लेकिन उसके अलावा जब आपको और भी अंदर तक घूमना होगा तो जीप सफारी करनी पड़ेगी, जीप सफारी का चार्जेस अलग होता है।
किसी ने मुझे कहीं किसी वीडियो में मैंने देखा था कि 2500 होता है, किसी में देखा था 3000 होता है, 3500 होता है, हमें 4000 में पड़ा था जीप सफारी, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी और कैसा है वो भी दिखाऊंगी। अभी तो देखिए मुन्नार की शुरुआत हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं ग्रीनरी, जो पहाड़ों पे चाय के जो बागान हैं ये मुन्नार में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मुन्नार एक पहाड़ी इलाका है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पास हल्की फुल्की एक जैकेट रख लीजिए। थोड़ी बहुत ठंड तो पड़ती है रात के समय, रात और सुबह के समय, और दिन में उतनी खास नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, बाकी सारी डिटेल मैं एक वीडियो में पूरे ट्रिप की बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी मुन्नार के बारे में बताती हूँ। यहाँ ये फेमस है चाय के बागानों के लिए, यहाँ से बहुत सारी चाय पत्ती जाती है, और मैंने सुना था टाटा वाली चाय भी यहीं से जाती है। होटल वगैरह आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और या तो आप सेलेक्ट करके रख लीजिए कौन कौन से होटल आपको पसंद आ रहे हैं, और वहाँ पे पहुँच कर वो होटल देख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि रिव्यू गंदे होते हैं लेकिन होटल अच्छा होता है, और रिव्यू अच्छे होते हैं और होटल गंदा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख कर जाइए और 4-5 सेलेक्ट कर लीजिए और जाके देख लीजिए रूम कैसा है। हमने बुक किया है कुरिंजी वंडरलस्ट, जो कि मतलब अच्छा था, होटल अच्छा था, और होटल का जो ओनर था वो भी अच्छा था। सामने पहाड़ था, ये देखिए पहाड़ है, और उस साइड चाय के बागान भी है जो कि मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए रूम भी काफ़ी स्पेशियस था, ये देखिए ये रिसेप्शन है यहाँ का। यहाँ पे आपको आराम से 2500 से 3500-4000 तक में रूम मिल जाएगा। किस टाइप का आप रूम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोगों ने 3 लोगों के लिए रूम लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो पड़ा था। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो 2 लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा कम प्राइस पड़ता है, और मतलब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगी। इस होटल में आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और डिनर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ 750 मीटर पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं वो वहाँ पे खाने की प्राइस बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे आपको खाने की प्राइस देखकर आप चौंक जाएंगे। और लेकिन मैं आपको बता दूं आपके पास ऑप्शन है जोमैटो करने का, जोमैटो यहाँ तक पहुँचा देता है। ये है हमारे रूम की बालकनी, और आते ही हम लोग थक गए थे, हम सभी सो गए थे, तो रूम फैल गया था, इसलिए मैं रूम आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैंने बालकनी ज़रूर रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखिए रूम ऐसा है, इतना बड़ा है, और ये है बालकनी हमारे होटल की। तो ये कॉमन बालकनी है जहाँ से आपको पूरा व्यू आएगा, मतलब आपको चाय के बागान, पहाड़ वहाड़ सब दिखाई देंगे। देखिए सामने है बागान, इस साइड भी है, वो कॉर्नर वाला हमारा रूम है, गैलरी है, और ये देखिए सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर है। पहले ऑटो को जाने देते हैं। वो सामने है चाय के बागानों, देखिए आपको पूरे मुन्नार में ऐसे बागान दिखाई देंगे, तो इसीलिए आपको मुन्नार बहुत सुंदर दिखाई देगा, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। ये है बागान, सामने ही है, जस्ट सामने है, और उसके बाद इधर भी है, इधर तो पूरा मतलब जहाँ भी जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बागान दिखेंगे, ऐसा ही एरिया आपको दिखाई देगा, बहुत सुंदर है, अच्छा व्यू है यहाँ से। देखिए यहाँ पे लाइन से बहुत सारे होटल हैं, उस साइड भी है। अभी हम निकलेंगे तो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी, और देखिए यहाँ पे फूल वूल वाले पेड़ बहुत होते हैं। आगे बैठो, आगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय बचा हुआ था, और अब जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की जर्नी होगी, मुन्नार की खूबसूरती को आप निहारेंगे। ये जो जर्नी रहेगी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदरता दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखाई देगी। तो हमने जो कैब बुक करी थी उसी कैब से हम जा रहे हैं आगे घूमने के लिए, जो यहाँ के कुछ पॉइंट है उसको कवर करने के लिए। तो बस हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और बने रहिएगा। मैं बोलना चाहती हूँ कि
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैंने बहुत सारे ट्रैवल वीडियो बनाए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिए। वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, वरना ऐसा है कि मन नहीं करता बनाने का, मतलब ऐसा लगता है कि क्या करूँ, रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। और छोड़ देती हूँ तो ऑब्वियसली व्यूज़ कम हो जाते हैं, लोग आना कम हो जाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि ये हर जगह चलता है, चाहे YouTube का एल्गोरिदम हो चाहे इंस्टा का हो, एक ही तरीके से काम करता है कि आपको रेगुलरली वीडियो डालना ही पड़ेगा। खैर बने रहिएगा चैनल पे, और मुन्नार की खूबसूरती मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और जाके चेक कर लीजिए थाईलैंड वाले व्लॉग भी। थाईलैंड, कश्मीर, मनाली, शिमला, हर जगह मैं घूम चुकी हूँ, व्लॉग भी बनाए हैं। चलिए फिर मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल।